हाय, दिस इज आयुषी खुराना और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट शोबिज पे। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं अजूनी यानी कि आयुषी खुराना से, जो बताएंगी कि शो में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। देखिए पूरा वीडियो। वेलकम टू जस्ट शोबिज। थैंक यू। और सबसे पहले अजूनी, जो मुसीबत आई है आपके ऊपर, घर वालों के ऊपर, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। पापा जी ने 24 घंटे की मोहलत दी थी मुझे साबित करने के लिए सबूत, जैसे कि हमेशा मैं साबित करती हूँ, वही कर रही हूँ। तो लेकिन अभी ऐसा ये सीन जो है उसमें पापा जी को पता नहीं है कि वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी खाई में गिर गई है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ पर वो सुनते नहीं है मेरी बात, और फिर उनको फाइनली पता चलता है और काफ़ी ऐसा माहौल हो रखा है कि वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, किसी को कुछ खबर नहीं है। राजवीर अभी गया है वहाँ पर, पता चलेगा अभी। बोले कहीं ना कहीं पापा जी है कि हमेशा टॉन्ट मारते, पिछली बार में देखा था राजवीर को टॉन्ट मारा है, जाप को मारे कि कहाँ है कहाँ है। हाँ मतलब अभी जैसे राजवीर हमेशा बचाने आ जाते हैं, तो आज वो चाबुक बस उठा ही रहे हैं और मारने ही लगते हैं और राजवीर आया नहीं है, तो वही उनका टॉन्ट है कि कहाँ आज राजवीर ने सुना नहीं, आज कहाँ है आज तुम्हारा पति। अच्छा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमेशा अजूनी हर क्या बोलते हैं हर चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन पापा जी के जुल्म के आवाज़ का भी, हाँ उन्होंने वो भी एक्चुअली उठाऊंगी कि आप हर बात पे हर किसी को सज़ा देते रहते हैं, सज़ा देने से कोई सुधरने नहीं वाला है, आप प्यार से समझाइए, प्यार का मौका दीजिए एक बार। ये भी एक्चुअली मैं एक सीन है हमारा आने वाला है, वो मैं करती हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ही जाके वो कहीं मुझे मोहलत देते हैं ये 24 घंटे की, यू नो कि 24 घंटे तुम्हारे पास साबित करके दिखाओ तुम अगर सच होती हो तो, क्योंकि अभी मैं साबित नहीं कर पाई तो उनको मौका मिल गया फिर से उठाने का, साबित कर देती तो शायद वो नहीं उठाते। इसलिए भी क्या न्यू ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, मैं अभी नहीं बताऊंगी। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन से जुड़े ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिले तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करिए।